तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन इन यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर और जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इस संरचना की ज्ञान हमें अच्छे से होना चाहिए क्योंकि इससे भूगोल में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के प्लेस में क्या है। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग आप लोगों के सामने है। भूपर्पटीय, जिसे क्रस्ट कहते हैं, आवरण, जिसे मेंटल कहते हैं, और एक होता है हमारा केंद्रीय भाग। कितने भागों में विभाजित किया गया है प्यारे बच्चों? तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब देखिए, कुछ चीजें होंगी इसमें समझने योग्य जो आपको पता होनी चाहिए। असल में जो हमारी ये भूपर्पटियां हैं तीन, कुछ इस प्रकार का है। पहला भाग है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, दूसरे को हिंदी में आवरण कहते हैं, और तीसरे भाग को कहते हैं हम केंद्रीय भाग, जिसे इंग्लिश में कोर के नाम से या कोर के नाम से जाना जाता है। असल में पृथ्वी के अंदर इतना अंदर जाना वैज्ञानिकों के लिए सक्षम नहीं है कि कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी संसाधन या कोई भी मानव दृष्टि अभी तक पृथ्वी के इतने अंदर तक जाकर डायरेक्ट नहीं देख चुकी है। तो फिर हमें पता कैसे चला इस बात का कि अंदर है क्या? असल में हुआ यह है कि हमारे पास दो संसाधन है। पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा संसाधन होता है हमारा अप्राकृतिक संसाधन। समझेंगे, एक है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है हमारे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है ना, हम इनमें दो चीजों को देखेंगे, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। देखिए, अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो हमें कैसे पता चलता है कि कितनी गहराई तक क्या है? इसमें आते हैं दो चीजें। एक आता है आपके पास भूज्ञान और एक आता है हमारे पास ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की गहराई असल में 60 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसके माध्यम से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि 60 किलोमीटर तक असल में क्या चीज विद्यमान है। दूसरा, जो कोयले की खानें होती हैं, वहां से जब कोयला निकाला जाता है, हीरो की खानें होती हैं, वहां से हीरे निकाले जाते हैं, तो वो भी गहराई में खुदती चली जाती हैं, तो वह भी 3 से 5 किलोमीटर तक खोदी जा चुकी हैं, जो कि सबसे ज्यादा अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाती हैं। इतनी अंदर जाने के बाद कि क्या क्या है ये सब हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका ज्ञान आपको एक अंदाजे से लगाया जाता है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, असल में जितनी गहराई में आप जाते रहेंगे, देखिए पहली परत है ये जो कि 35 किलोमीटर की होती है, दूसरी परत है आवरण जो कि 2900 किलोमीटर की होती है। इस प्रकार से परत के अंदर परत जाते जाएंगे तो जो ऊपर की परत होती है इसका जो घनत्व होता है वह कम होता है। घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है। जब डेंसिटी कम होती है तो उसके कारण इसका दाब, प्रेशर भी कम होता है। प्रेशर कम होता है तो ताप, मतलब टेम्परेचर भी कम होता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते रहते हैं तो घनत्व बढ़ता रहता है, दाब बढ़ता रहता है, और दाब के साथ साथ ताप बढ़ता रहता है। प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक आइडिया मिल जाता है जिससे आपको काफी नॉलेज हो जाएगी। आइए एक बार इसे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। एक बार प्रयास करते हैं अच्छे से। तो तीन भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। आइए एक बार भूपर्पटी सामने कुछ चीजें हम जान लेते हैं ओरली कि क्या है इसके अंदर। ये सिर्फ लिख के इसलिए बता दिया जाता है ताकि आप लोगों को लिखने में परेशानी ना हो। थ्योरिकल क्लास में थोड़ा सा ज्यादा बच्चों को उतारने में, लिखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए, भूपर्पटी के बारे में बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। अगर एक बार मैं छोटा सा चित्र यहां बना लूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में जाएगा। वैसे चित्र भी आगे मिलेगा बना हुआ, पर फिर भी ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? सबसे ऊपर का भाग आपका भूपर्पटी। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। इसी क्लास में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे कि आपका कोई डाउट ना बचे। विश्वास कीजिए, चैप्टर क्लास खत्म होने के बाद आपका कोई भी सवाल इससे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। आइए समझते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, मतलब कितना है? 34 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। अगर ऊपर से हम खोदना शुरू कर दें जमीन को तो 34 से 35 किलोमीटर तक कौन सा क्षेत्र माना जाएगा? भूपर्पटी। सही है। इसकी मोटाई महासागर, महाद्वीपों पर अलग होती है। अगर महासागर में जाएंगे और महाद्वीप पर जाएंगे, शायद आपको दोनों का अंतर मालूम होगा, तो इनकी जो मोटाई है ये अलग अलग होगी। सीधी सी बात है, जहां महासागर है और महाद्वीप की बात हो रही है तो महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज्यादा होती है। महासागरों में इसकी मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और महाद्वीप पर क्या हो जाती है? मोटाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि हर जगह 34 किलोमीटर या 35 किलोमीटर परफेक्ट है। ये एक क्या है? औसत वैल्यू है। आइए समझते हैं। इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? सियाल। इस हिस्से को क्या कह दिया जाता है? सियाल। इसका निर्माण किससे हुआ है? समझेंगे, सिलिका से और एल्यूमिनियम से। तो SI और AL, SI और AL, तो इससे क्या बना? ये सियाल बना।
याद रखेंगे सिलिका और एल्युमिनियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है। इस परत को लिथोस्फियर कहते हैं। इस पूरी परत को एक नाम दिया गया है, क्या ये नाम अच्छे से याद रखेंगे, लिथोस्फियर। क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों, लिथोस्फियर कहा जाता है। किसे, भूपरपट्टी की बात हो रही है, इसे लिथोस्फियर भी कहा जाता है। ये सब डाटा आप उतार लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, देखिए क्रस्ट का जो भाग है, जो क्रस्ट ऊपर की हम बात कर रहे हैं, जो क्रस्ट का भाग है इसका औसत घनत्व कितना बताया गया है, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर की पावर 3, या फिर घन कहेंगे। इसका जो घनत्व है कितना है, 2.7 से लेकर। क्रस्ट का जो भाग है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है, 0.5% है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये कितना है, 0.5% है पूरी पृथ्वी के आयतन का। तो समझ सकते हैं कितना छोटा हिस्सा है ये, बाकी सारा हिस्सा कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये ऊपर का हिस्सा बहुत ही कम है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, भूपटल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.60% है इस हिस्से में। क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कितनी है प्यारे बच्चों, 46.60% लगभग में। ये क्या है, इतना इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो यहां से हमें पता चलता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या है, सिलिकन, जो अभी पढ़ा था ऐसा ही, क्या है, सिलिकन। और तीसरे नंबर पर सिलिकन कितना है, 27.72%। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम कितना है इसके अंदर प्यारे बच्चों, 8.13। तो हमें पता चलता है कि भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा चीज क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। याद रखना ऑक्सीजन का क्वेश्चन दो तरीके से आता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और भूपरपट्टी में ऑक्सीजन, ठीक है ना। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कभी कंफ्यूज हो जाए कुछ बच्चे। समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, सफलता जरूर मिलती है। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, हम हर संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो निकालते हैं, मोटिवेशन विद फन। वीडियो जरूर देखना, अच्छा फील होगा। और उसके अंदर एक रियलिटी सामने बच्चों के मैं कोशिश करता हूँ कि पेश करूँ, जो समाज में इस समय वास्तव में एक रियल फेस है आज के विद्यार्थी का, हम उसे पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर कोई भी बनावटी बात नहीं होगी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। एक फन तरीके से थोड़ा कॉमेडी के साथ आपको समझा जाता, ताकि बच्चे के दिमाग में सीधी बात आ जाए। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने सीखा भूपरपट्टी के बारे में, ये है आपका भूपरपट्टी। एक बार इसे थोड़ा सा तेजी से देख लेते हैं। ये जो हिस्सा है कितने किलोमीटर का है, 34 से 35 किलोमीटर का हिस्सा। इसका घनत्व कितना है, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। इस भाग के कोई अन्य नाम है जो हमने जान लिए थे, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा इस भाग में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या पाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने ये पूरा देखा, भूपरपट्टी को हमने समझा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है वह है आवरण। लेकिन एक चीज देखेंगे, यहां भूपरपट्टी को और आवरण को एक चीज ने जोड़े रखा है, जिसे हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये वाली लाइन, इस लाइन को समझेंगे। ये लाइन जो है दिख रही होगी सभी को, इसे क्या कहा जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसे कहा जाता है, इस लाइन को। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसे जोड़ रही है, भूपरपट्टी को आवरण से, मेंटल से जोड़ रही है। क्रस्ट को किससे जोड़ रही है, मेंटल से जोड़ रही है। नाम याद रखेंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी नाम आता है, और बच्चा इस नाम से फिर परिचित ना होने के कारण कर नहीं पाता है। तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी किसे जोड़े हुए है, आवरण को और क्रस्ट को जोड़े हुए है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ऐसी है अगला गुटेनबर्ग, ये वाली जो लाइन है जिसने जोड़ रखा है आवरण को केंद्रीय को, इसे क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग कहते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो गुटेनबर्ग किसे जोड़े हुए, आवरण को और केंद्रीय भाग को, और मोहो किसे जोड़े हुए, भूपरपट्टी को और आवरण को। देखिए नाम याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से, ये दो लाइनें जो जोड़े हुए हैं इनके नाम है, पूछ ली जाएंगे एग्जाम में तो फिर आप परेशान होंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं अभी चैप्टर को, और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए अगला भाग है हमारे पास आवरण, जिसके बारे में बातचीत हुई। आवरण, अभी हमने क्रस्ट को जाना, ये कितना है 35 किलोमीटर, इसका मतलब 35 से आगे कौन सा शुरू हो जाएगा, आवरण शुरू हो जाएगा आप लोगों का। आइए एक बार आवरण की डिटेल को समझ लेते हैं, कुछ संक्षिप्त डिटेल आपके सामने है प्यारे बच्चों। देखिए यह है 2900 किलोमीटर मोटा है, कितना भाग है ये वाला, 2900 किलोमीटर है। ये कितना है, 2900 किलोमीटर का। अब आप समझ रहे होंगे, जब ये 35 किलोमीटर का भाग पृथ्वी के आयतन का, समझेंगे पृथ्वी के आयतन का कितना है, 0.5%, तो ये 29 किलोमीटर का भाग पृथ्वी का कितना होगा, आप अंदाजा
लगा सकते हैं, पर फिर भी अभी आगे चलते हुए डिटेल मिल जाएगी आपको, देखते हैं। यह 2900 किलोमीटर मोटा भाग है पृथ्वी के आयतन का, कितना है ये 83%, ये कितना है पृथ्वी के भाग का 83%, कितना है ये 83%, समझेंगे। आवरण कितना है पृथ्वी के भाग का 83%। आइए चलते हैं आगे। तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है, किसका, जितना भी पृथ्वी का हमारा द्रव्यमान है, पृथ्वी का मास है, उस मास का 67% कितना है, यही भाग होता है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, कई बार आपको एग्जाम टाइम में 68% भी मिल सकता है, जो कि मिल जाता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीजें अंदाजे से निकाली गई हैं, ठीक है, ना कि कोई एक्यूरेट वैल्यू है। तो ये लगभग में 67% है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आयतन का कितना 83 और मास का कितना 67%। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। तो अब यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, अगर हम भूपर्पटी की बात करें तो इसमें भी सिलिका है, और आवरण की बात करें तो इसमें भी सिलिका है, पर यहाँ पर सिलिका के साथ क्या था एल्युमिनियम, और यहाँ पर सिलिका के साथ क्या है मैग्नीशियम। कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, देखेंगे यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही है, पर अंतर क्या है, यहाँ पर Al था साथ में, यहाँ पर Al था साथ में, और इसमें क्या है Ma है साथ में मैग्नीशियम, तो इसीलिए क्या बन गया ये सीमा। तो इसलिए इस पार्ट को क्या कहा जाता है, सीमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं, सीमा के नाम से भी प्यारे बच्चों इसे जाना जाता है। तो इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम के हुआ है, किसके निर्माण की बात हो रही है प्यारे बच्चों, आवरण के, मेंटल के बाकी हो रही। इस परत को सीमा कहते हैं, इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस भाग को आवरण बोल देंगे, सीमा बोल देंगे, और पायरोस्फीयर भी बोल देंगे, तीन नाम हो गए याद रखेंगे, क्या बोल देंगे पायरोस्फीयर भी बोल देंगे। इस परत का घनत्व कितना है 2.90 से लेकर 4.75 तक, कुछ पुस्तकों में ये आपको 4.75 की जगह 5 मिल सकता है, तो ज्यादा परेशान नहीं होंगे। इस परत का घनत्व कितना है 2.90 से लेकर 4.75 तक का इसका घनत्व है, डेंसिटी है। इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, मैग्मा चैम्बर समझते हो ज्वालामुखी, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था ज्वालामुखी कितनी गहराई तक हो सकती है 60 किलोमीटर, और क्योंकि हमारी भूपर्पटी कितनी है 35 किलोमीटर मोटी है, तो इसका मतलब 35 ये और ऊपर नीचे इसके नीचे जाएंगे तो 30 किलोमीटर लगभग ज्वालामुखी आवरण के अंदर भी आ रही होगी। और जब ज्वालामुखी यहाँ तक पहुँच रही है तो इसका मतलब ज्वालामुखी में अगर मैग्मा है तो मैग्मा की सेल्स कहाँ होंगे, यहीं पर होंगे। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि आवरण के अंदर ही क्या होते हैं चैम्बर बने हुए होते हैं, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। ज्वालामुखी के फटने पर, ज्वालामुखी विस्फोट होने पर जो बाहर की तरफ लावा बहता है उसकी बात हो रही है। इसे ही, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, किसे आवरण को, आवरण को क्या काम कहा जाता है, मेंटल को क्या नाम दिया गया है व्हाइट ऑफ द अर्थ, ये याद रखने वाली बातें हैं। इसके बाद अभी जब हम MCQ सेट करेंगे बिल्कुल अभी 5 मिनट बाद, तो आपको और अच्छे से याद होगा और अच्छी फीलिंग आएगी, ये मेरा दावा है आपसे। क्लास पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, आपके कमेंट्स से हमें बड़ा अच्छा सा लगता है। आइए समझते हैं, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा को, देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्रस्ट एवं मेंटल की सीमा, क्रस्ट एवं मेंटल की सीमा, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया था, मोहो, क्या कहा जाता है इसे मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी। फिर से बता देते हैं किसकी बात हो रही है, क्रस्ट और मेंटल की सीमा, ये वाली सीमा, ये वाली रेखा, इस रेखा को क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी इसे नाम दिया गया है। तो यह बात हो गई आपके आवरण की, आगे की ओर चलते हैं। अब हम समझेंगे इसके केंद्रीय भाग के बारे में, किसका केंद्रीय भाग हमें क्या बताता है, आइए एक बार केंद्रीय भाग की तरफ चलते हैं। पहले केंद्रीय भाग की कुछ डिटेल आपके सामने है। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है, इस भाग को क्या कहा जाता है, क्रोड भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है, किससे हुआ है, निकिल और लोहे से। इसका मतलब ये किससे बना हुआ भाग है, ये वाला भाग किससे बना हुआ है, निकिल और लोहे से, तो NiFe, ठीक है ना, इससे बना हुआ है Fe होगा, माफ करना Fe, NiFe, निफे। तो इसके अंदर दो चीजों की बहुलकता पाई जाती है, किसकी, निकिल की और लोहे की, इसलिए इसे निफे कह दिया जाता है। किसकी बात हो रही है, कोर की। इस परत का घनत्व 13 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा घनत्व माना जाता है। ये घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें तीन चीज़ों का आपस में संबंध है, ये आपस में जुड़े हुए हैं अनुपातिक रूप से, जैसे कि घनत्व, डेंसिटी, ताप और दाब, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता रहेगा चीज़ों का, वैसे जैसे दाब बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे दाब बढ़ता रहेगा ताप, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता रहेगा। सबसे ऊपरी परत में घनत्व कम था, फिर नीचे घनत्व बढ़ा, और सबसे एंड में आकर घनत्व कितना हो गया, 13 ग्राम सेंटीमीटर की पावर 3। इसने कुल आयतन का 16% भाग घेरा हुआ है। कितने परसेंट भाग घेरा हुआ है, कुल आयतन का लगभग 16% भाग इसने घेर रखा हुआ है, समझेंगे यहाँ पर। 83 किसने घेर रखा है, आवरण ने। 0.5 किसने घेर रखा है, भूपर्पटी मतलब क्रस्ट ने। इस परत को बैरिस्फियर भी कहा जाता है। देखिए मैंने तीनों परतों के नाम आपको अलग अलग बताए हैं, याद रखेंगे। क्या कह दिया जाता है, बैरिस्फियर, मतलब कि ये जो परत है इसे क्या कह दिया जाएगा, बैरिस्फियर के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। और हम इसकी बात करें तो इसकी गहराई टोटल कितनी हो जाएगी, 6370, मतलब कि अगर पृथ्वी के यहां से नीचे से चलने की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 6370 किलोमीटर की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा केंद्रीय भाग की जानकारी के साथ। आइए थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं, एक बार ये हमने सारी चीज़ें देख ली, इसके तीनों भागों को देख लिया, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा तेजी से। आइए देखते हैं, अब आपने जितना भी पढ़ा है उसे देखेंगे कितनी तेजी से आप आंसर कर पाएंगे, क्विक आंसर कर पाएंगे, जहां आप आनंदित होंगे, मजा आएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। आइए समझते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, भूकंप विज्ञान से मिलती है, जो कि प्राकृतिक कारणों में से एक है। जैसे कि ज्वालामुखी से हमें इसकी आंतरिक जानकारी मिलती है, वैसे किससे मिलती है, भूकंप विज्ञान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो है ना, हमें तीनों पट्टियों के बारे में, ये जो तीन पट्टियां हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें किसने बताया है, स्वेज द्वारा बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, इन्होंने इसके बारे में विवरण किया था, इन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। आइए समझते हैं, नाम याद रखेंगे। पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर निम्नलिखित सही क्रम क्या है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सही क्रम क्या है, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, सियाल मतलब बी, दूसरे नंबर पर सीमा, फिर निफे मतलब कि बी ए सी मतलब क्या आंसर हुआ, आंसर नंबर बी हुआ, बी ए सी, सबसे पहले सियाल था, सीमा था, फिर क्या था आखिरी में, निफे था। देखिए क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वैसे तो ये सभी कथन सत्य हैं, पर फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सियाल जो है, सियाल में हमें क्या मिलता है, ग्रेनाइट एवं नीज जैसी चट्टानों की प्रधानता मिलती है। नीज जैसी चट्टानों की क्या मिलती है हमें, इसके अंदर प्रधानता देखने के लिए मिलती है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवी जैसी चट्टानों से हुआ, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको जैसे जैसे बताया बिल्कुल आप याद रखेंगे तो यहाँ देखा जाएगा। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, ये भी हमने अभी अभी जाना, तो इसका मतलब सभी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि किस चट्टान में बेसाल्ट की अधिकता पाई जाएगी, तो वो है सीमा। सीमा में क्या पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, पृथ्वी के किस भाग में, आइए समझते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं किसमें है, निफे में है, आपका आंसर भी शायद यही होगा। पृथ्वी की सीमा, सॉरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, देखिए इसके लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये किया था स्वेस ने, इन्होंने ही हमें तीनों परतों के बारे में बताया था। नेक्स्ट, पृथ्वी की तीन सह केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए आप लोगों का आंसर पता होगा, बहुत तेजी से करते चल रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है या क्या है, तो वो है निकेल। निकेल कैसा पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं था, उन तीनों में से क्या नहीं है इस विभाजन में, सबस्ट्रेट नहीं है, बाकी तीनों चीजें इनके विभाजन में थी, सियाल सीमा और निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा
थोड़ा तेजी से इसलिए पढ़ना क्योंकि डिटेल हम पढ़ चुके हैं। धरातल से भू गर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो तापमान वृद्धि की दर क्या होगी, हमने अभी भी पढ़ा था, पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 32 मीटर नीचे जाने पर कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब ये सही है। आवरण की बात हो रही है, मेंटल की बात हो रही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। पृथ्वी के आयतन का 83.5 एवं द्रव्यमान 67.8 भाग है, ये भी है, हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था 83 और 67, जो कि मैंने आपको बताया था लगभग में होता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है, ये भी हमने जाना था। तो इसका मतलब क्या आंसर इसमें गलत है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं, बिल्कुल सही है। पर हमने जो डिटेल पढ़ी थी उसमें हमने इसे पढ़ा था 2.90 से लेकर 4.75 तक, याद रखेंगे लगभग में होता है, तो इतना आसपास आपको कवर करके चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मैंने कहा था ये क्वेश्चन अक्सर आता है, किसे कहा जाता है? मेंटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा हो तो लाइक करें। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? क्या पाया जाता है इसमें? सबसे ज्यादा सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कह दिया जाता है, इसीलिए इसे बच्चों सीमा कहा जाता है इसे। थोड़ी गर्मी ज्यादा है, आइए समझते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल है? यह भी हमने पढ़ा था, लगभग कितना प्रतिशत है? 68, हमने 67 पढ़ा था, पर मैं बता दूं वो लगभग में है, तो आसपास 1-2 पॉइंट चलेगा, इसे कवर करेंगे आप लोग। अगला है मोह असंबद्धता स्थित है। मोह किससे संबंधित है, किसके बीच की लाइन है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की लाइन है, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच की लाइन है, मेंटल अथवा कोर के बीच की लाइन है, आंतरिक मेंटल एवं बाह्य मेंटल के बीच की लाइन है। तो साहब ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की एक रेखा है। आगे समझते हैं, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? आइए समझते हैं, इसमें किसकी प्रधानता होती है? लोहा और निकेल की, ये भी हम जान चुके हैं, आप लोगों का आंसर भी यही होगा। आई होप सो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया हो, हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन करे और अच्छा तो लगा ही होगा। खैर, अगली वीडियो मिलते हैं, आपका दिन शुभ रहे।